तो हेलो गाइस, एक सेकंड, मेरे फेस पे मास्क चेक कर रहा है, मैं तो घर पे ही हूँ. ओके, सो हेलो गाइस, वेलकम टू द सार्थक ब्लॉग. सो कैसे हैं आप लोग? सो मैं अभी अपने फ्रेंड के घर जा रहा हूँ, ठीक है. तो उसने भी सरस्वती पूजा अपने घर के बगल में बनाया हुआ है, मतलब उसका घर है एंड उसके एंट्रेंस में ही उसने मतलब बनाया है. तो उसके घर पे भी चलते, वो बुला भी रहा था, देखते हो उसने कैसा बनाया हुआ है. सो हम लोग पहुँच चुके हैं एंड इन लोगों ने जैसे कुछ कुछ इस टाइप का बनाया है एंड आगे सब कोई है एंड ये लोग सब कोई अंदर गेम खेल रहे हैं, जैसे क्या सब कोई गेम खेले, बस और क्या है. मेरे को पता नहीं मेरे साउंड क्लियर आ रही है कि नहीं, बट हाँ मतलब मैं भैया जी के साथ आया हूँ यहाँ पर. ये वाला जो पंडाल है, ये पंडाल भी जो है वो एस एन यादव के पास है. घर जा रहे, काफ़ी रात हो गया, ठंडा भी लग रहा है मेरे को काफ़ी ज़्यादा. सो बस घर चलना है जल्दी जल्दी से, बहुत ज़्यादा ठंडा. हम लोग यहाँ पर अभी वापस से आए. ओके, सो यहाँ पे लोग दोपहर के टाइम पे भी आए थे, बट अभी भैया वापस से लेकर के आ गए. सो गाइस, हम लोग अभी घर आ गए एंड भैया के साथ हम आए थे. सो मम्मी और पापा भी जस्ट आ ही गए थे, तो मम्मी पापा भी एक साथ ही आ गए. मैं अब घर आ गया एंड मम्मी अभी मेरे थोड़ी देर में डिनर लेकर के भी आ रही, तो वो भी जल्दी जल्दी अब खाते हैं. डिनर लेकर के आ रही है. ओके, सो रखो यहाँ पर एंड चलो. काफ़ी अच्छा डिनर, मतलब पालक पनीर है एंड ये आलू की सब्जी है एंड रोटी है. ओके, सो ये पालक पनीर मम्मी ने बनाया है, दीदी ने बनाया है एंड वो जो आलू की सब्जी है तो वो पापा ने बनाया. लाइक सब्सक्राइब मेरा बाबू को जरूर से करिएगा आप लोग. हाँ, तो मम्मी ने बोली है तो आप लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है एंड आप लोग करके जरूर जाइएगा. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय.